क्या बोल रही है पब्लिक? बोले तो इंटरव्यू के लिए मस्त से रेडी होना, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, इंटरव्यू आपका अच्छा ही जाएगा। और उससे पहले कुछ चीज़ें, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टर्म्स या प्रोजेक्ट्स है, इस पर खासा ध्यान दो, एक बार रीड ज़रूर करना, 3-4 लाइन पता होनी चाहिए आपको उसके बारे में। दूसरी चीज़, आपका एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में, एंड एडीओ से रिलेटेड आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सब मतलब एडीओ ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, आप अपने स्किल्स से कैसे उनको इम्प्रेस कर सकते हो, इन पे ध्यान दो। ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ ही रहे लगभग हर इंटरव्यू में, ठीक है? तो इन चीज़ों पे खासा ध्यान देना। अब मैं जाता हूँ 3 एक्सपीरियंसेस की ओर जो मेरे पास है, वन बाय वन आपके साथ क्विकली शेयर करता हूँ। सबसे पहले विजेता शर्मा, इनका है। थैंक यू विजेता शर्मा, अगर आप वीडियो देख रहे हो, कि आपने काफ़ी डिटेल में मेरे पास ये क्वेश्चंस, आपका एक्चुअली कन्वर्सेशन जो भेजा है, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। एंड गाइज, नाउ सी द पैटर्न। इनका 1 नवंबर को था, सेकंड शिफ्ट में, टाइम 6:30 PM, हार्डली 12-13 मिनट्स, बाइलिंगुअल, तो दोनों भाषा में चलता है। अब ये यार इन हैंड आपको सीरियसली बता रहा हूँ, दोनों भाषा में चल जाएगा इंटरव्यू। नाउ इंटरव्यूअर, यू आर मैरिड एंड हस्बैंड गुड़गांव बेस्ड हैं, आप खुद MCA हो, आप तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते थे, ओके? फिर उन्होंने आंसर इस तरीके से दिया, सर आफ्टर PG आई स्टार्टेड प्रिपरेशन एंड गिविंग सो मेनी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एग्ज़ाम, ओके? फिर इंटरव्यूअर, ये जॉब गर्ल्स के लिए टफ है, वी हैव 237 DO एंड नॉट अ सिंगल गर्ल इज़ देयर। सर मैंने ये सोचा कि या तो गर्ल्स के परफॉर्मेंस ख़राब है या फिर आपको ट्रस्ट नहीं है, ओके? आपके हस्बैंड आपसे कंप्लेन करेंगे कि टाइम नहीं देती हो। ये काफ़ी पारिवारिक सवाल या चर्चा हो रही है इंटरव्यूअर के साइड से, ओके? तो उन्होंने आंसर किया, सर वी हैव डिस्कस अर्लियर, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके? इंटरव्यूअर, डू यू नो एनीवन फ्रॉम LIC, किसी को पूछा है? तो यस सर, एक्सेप्ट इंटरनेट, बताओ। एक्चुअली बताओ, इनका इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने लिखा है जॉब प्रोफाइल पे क्वेश्चन नहीं था, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, दूसरा कुछ था, बस आप एक लड़की हो, बस आप एक लड़की है, इसी पे घंटी बजा रहे, ओके? जो आपने मेंशन किया है विजेता, अच्छा, मतलब वो चाहते हैं कि आप एक लड़की हो तो कैसे कर सकते हो, मतलब इनडायरेक्टली चिढ़ा रहे हैं। अभी इसमें जो पूरा इंटरव्यू की बात करूं, एक चीज़, एक स्किल आपकी वो चेक करें ओवरऑल, अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो, बी काम, गुस्सा आ जाता है कभी ऐसे कोई बोलेगा तो, और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली गर्ल्स के लिए लागू होंगे, मैरिड है अनमैरिड दोनों के लिए, तो शांत रहना, शांत तरीके से आप एक्सप्लेन करो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो। एंड सर डू शेयर माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एंड सर लड़कियाँ फाइटर प्लेन चला सकती है तो हम क्या पॉलिसी नहीं बेच सकते? बराबर है, एंड ये काफ़ी एक फनी इंटरव्यू कहूँ या अलग तरीके से कहो, बट आई एम श्योर ये आपको अच्छा ही गया होगा विजेता। तो सिर्फ लड़कियों को एक बात बोलता हूँ, ऐसा कोई सिचुएशन होता है ना, आपके पास अच्छे पॉइंट्स होंगे, वुमन एम्पावरमेंट, ऐसे सब फटाफट माइंड में आएगा, अच्छी बात है, लेकिन आराम से बताओ, वो आपको कुछ नीचे गिराने के लिए नहीं आया है, वो आपको जज कर रहा है, उसका हक बनता है कि आप शांति से बात बताते हो गुस्से से, ठीक है? तो इसका सिर्फ ख्याल रखना, क्योंकि मुझे लगता है इसमें आपको आंसर्स तो आ जाएंगे, ऐसा लड़कियाँ ने ये किया है, वो किया है, कुछ कुछ लोग तो नासा ये वो सब बताएंगे एग्जाम्पल्स, तभी हमारा GK एकदम स्ट्रांग होता है, होना भी चाहिए, बट शांति से बताना, ठीक है? तो विजेता शर्मा का यही एक्सपीरियंस था, बाकी तो क्वेश्चन उन्होंने दिए नहीं है, तो मतलब उन्होंने कहा था ये इतना ही पूछा गया है, सो थैंक यू विजेता। सेकंड है तेजस सक्सेना, अभी मैं थोड़ा स्पीड में लेता हूँ। 1 नवंबर का था, दिल्ली में था, सुबह 10 बजे, इंटरव्यू का टाइमिंग था 4 PM एंड इंटरव्यू ड्यूरेशन वॉज 5 मिनट्स, ओके? पैनल मेंबर 4 थे, 2 male 2 female, बराबरी पे, ओके? पहली बात तो नो इंट्रोडक्शन, कोई फॉर्मल नहीं हुआ, लगता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फिर उन्होंने मेंशन किया, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, पहला था व्हाई आर यू कमिंग टू इंश्योरेंस,
फिर से वही क्वेश्चन घुमा फिरा के जो मैंने कहा है, इंश्योरेंस में क्यों कहना है, अपने स्किल्स को एक्सप्लेन करो, एडीओ का स्लाइटली उसमें कवर कर लेना, ओके। और सिर्फ यही मत बोलना मुझे ये करना है मुझे वो करना है, नहीं वो तो पता ही है, इसीलिए तो आप इंटरव्यू की कुर्सी पर बैठे हो। आप ये बताओ अपने स्किल्स से उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। देखो इंटरव्यूअर पूरी जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें एक जानना चाहता है, क्या आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे कि नहीं। जैसे आप सोचते हो ना अपनी सैलरी अपनी इंक्रीमेंट, तो उनका भी हक बनता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन समझ के लेना। सेकंड क्वेश्चन, एडीओ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वाइट डायरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इंश्योरेंस कवरेज इन इंडिया इज लो। नंबर फोर, हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड, पूरा कवरेज उन्होंने दिया है। नंबर फाइव, व्हाई शुड पीपल चूज इंश्योरेंस ओवर FD। लोग अक्सर बटे हुए रहते हैं दो कैटेगरीज में, FD पे भरोसा है, इंश्योरेंस पे भरोसा है, ठीक है। इसका जनरल आंसर देना। नंबर सिक्स, हाउ विल यू रिक्रूट एजेंट्स वंस अगेन। इन्होंने मेंशन किया इन टू ब्रैकेट के, आस्क मी एज आई एम फ्रॉम अ यंग जनरेशन एंड विल रिक्रूट यंग पीपल, बट हाउ विल यू गेट वर्क डन, ओके। न्यू एंड इंटरेस्टिंग वेज ऑफ रिक्रूटिंग एजेंट्स, न्यू एंड इंटरेस्टिंग वेज, आपको इसमें रिक्रूट एजेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। इन शॉर्ट ये जैसे मैंने कहा, ये लोग काम पे ही पूछ रहे हैं आपको कैसे करोगे आप। नंबर सेवन, हाउ डू यू रिटेन देम। हाँ, जैसे कहते हैं कि कस्टमर को या क्लाइंट को मिलना आसान है, लेकिन उसको रिटेन करना, उसको बरकरार रखना उतना ही मुश्किल होता है, विद अ गुड पॉलिसी सिस्टम विद गुड फीचर्स एंड ऑल। नंबर एट फनी है एक्चुअली, आस्क्ड मी टू कम विद देम, मतलब दे आस्क, उन्होंने उनको पूछा टू कम विद देम एंड विजिट LIC स्टॉल, ओके, एंड टॉक टू पीपल फॉर 10 मिनट्स एंड कन्विंस देम टू टेक पॉलिसी। बोले तो लाइव डेमो, उनको LIC स्टॉल पे आने को कहा, 10 मिनट बात करो एंड कन्विंस देम। अब उन्होंने मेंशन किया इनटू ब्रैकेट में, आई एग्रीड बट ही डिडंट गो, आपका शायद वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे। सो ये था तेजस सक्सेना का इंटरव्यू, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस ही थे, ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही थे इसमें। तो देखो फ़र्क देखो कैसा हो रहा है दोनों इंटरव्यूज़ में, और जो कॉमन क्वेश्चन आ ही रहे एडीओ के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरेंस में क्यों आना है वगैरह वगैरह, तो ये पकड़ के ही चलो, ये आपको मोस्टली पूछेंगे। तीसरा है प्रतीक मुनेश्वर, इनका है इंटरव्यू, इनका भी कल ही था 1 नवंबर को। पहला है वाई एडीओ आफ्टर इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक पार्ट टू में कवर किया है। तो वंस अगेन, आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है, तो शायद ये क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है, बट फॉर एग्जांपल नाउ इंजीनियरिंग के बाद एडीओ क्यों। सेकंड क्वेश्चन, हु इज योर आइडल, अभी आइडल बनने की बात आए ना, तो कुछ ऐसा बताओ आप लोग, आपके अभी आपके फटाक से माइंड में रहेगा, लेकिन उसके बारे में रियल में बताया गया कुछ दो तीन चीज़ें अभी रिसेंट अपडेट्स, तो ही बताना, जानबूझ के ऐसे बिजनेस फील्ड से कोई मत बताना, ठीक है। फिर क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स बनेगा कि उसने कितने शेयर्स किए या क्या इन्वेस्ट किया, फिर ऑप्शंस भी देंगे तो भी KBC खेल नहीं पाओगे, ठीक है। एक नॉर्मल सा बंदा बताना, ठीक है। इसका एक ने आंसर शेयर किया था कि उन्होंने नाम लिया था कि आइडल के बात कर, तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया था कि वो काम है, पेशेंस है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इनिशिएटिव है, तो उस पर उन्होंने एक दो क्वेश्चंस पूछे थे कि MS धोनी जब वर्ल्ड कप के बाद खेले नहीं है, अभी तक मैदान पे उतरे नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, तो जो उन्होंने आर्मी के लिए सेवा की वो कहाँ पे की, तो इस तरह के एक दो सवाल थे, मतलब MS धोनी के अपडेट्स इन शॉर्ट। MS धोनी क्यों, उन्होंने MS धोनी का नाम लिया, अगर अंबानी का नाम लेते तो अंबानी के सवाल पूछते थे, इसलिए बोल रहा हूँ जिसका भी नाम लो सोच समझ के लेना, ओके। नंबर थ्री, फ्यू क्वेश्चंस ऑन माय बायोडाटा फॉर्म, अब ये पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ होगा, इन्होंने इस पर कुछ मेंशन नहीं किया, तो जस्ट फॉर गाइडेंस बता देता हूँ, शायद वो आपके होम सिटी टाउन पे हो सकता है, या फिर मान लो डैड या मॉम की कोई स्पेसिफिक डिटेल्स उसमें मेंशन है अलग तरीके से, या कोई रेयर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो, या फिर कोई स्पोर्ट्स में कुछ आपने अचीव किया है, एक ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है तो उस पर, तो आप अपना बायोडाटा फॉर्म जिन जिन को मिला है मैं क्लियरली बताता हूँ, कॉल लेटर पर जिन जिन को मिला है उन्हीं के लिए, बाकी लोगों ने मुझे मेंशन किया जिनका नहीं है उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो लोग उनसे फॉर्म डायरेक्टली भरवा रहे हैं,
ठीक है, तो आपके कॉल लेटर में नहीं तो आप टेंशन मत लो कि बायोडाटा फॉर्म मेंशन नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था, दो वीडियो में फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर फोर, दे वर टेस्टिंग मी इफ़ आई रियली वॉन्ट टू ज्वाइन। यस, यही तो कहना है, दे वो बार बार चेक करेंगे आपको ज्वाइन करना है कि नहीं, आपको मोटी एक पगार चाहिए वो सब ठीक है, लेकिन दे रियली वॉन्ट टू नो एंड आर यू रियली क्वालिफाइड इनफ। क्वालिफाइड इनफ मतलब सिर्फ डिग्री वाइज नहीं, माइंड सेट, स्ट्रैटेजी वाइज, प्लानिंग, बात करने का तरीका, पॉलिसी पे चुके हैं ना तो बात करने का तरीका डेफिनेटली आपका टेस्ट होगा। इसलिए बोल रहा हूँ शांति से रहना जो भी एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। नंबर फाइव, बिल गेट्स का नया बुक। अभी इसमें दो चीज़ें हैं, उन्होंने मेंशन नहीं किया एक्चुअली कि उन्होंने शायद आइडल बिजनेस बिल गेट्स का इसलिए पूछा गया है या क्या। तो कुछ लेटेस्ट बुक जो आपने पढ़े होंगे जीए के लिए वो देख लो ज़रा, लेटेस्ट कुछ भी रहा तो एनी फील्ड का। ओके, इंश्योरेंस में भी कोई लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स होंगे तो वो पढ़ लो। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स, मैं एक पॉज लेता हूँ जी, तो पॉज कर लो और अपने आप से पूछो कि क्या हो सकता है नंबर सिक्स क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग फनीएस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे नहीं पता ये क्यों पूछा गया है, क्या लिंक थी एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब किस कैटेगरी में क्वेश्चन हो सकते हैं आप ज़रा सोच के रखना और मैं बता देने के बाद चेक करो क्या वो कैटेगरी में क्वेश्चन था। सो आई होप आप अपने क्वेश्चन के साथ रेडी हो कि किस कैटेगरी में होगा। और एक्चुअल क्वेश्चन ये है, नंबर सिक्स, हाउ मैनी हार्ट्स डज ऑक्टोपस हैव। अरे भैया, अभी क्या ऑक्टोपस को पकड़ के खाएंगे हम लोग? इट्स लाइक ऑक्टोपस को हार्ट कितने कितने दिल है उसके पास। सी, ऑक्टोपस को तीन हार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक सिस्टमेटिक हार्ट होता है, दो ब्रांच हार्ट्स होते हैं। एंड ये क्वेश्चन जो पूछा है, आई डोंट नो इसको, इसके बाद कोई काउंटर अटैक था क्या, क्योंकि जो क्वेश्चंस कवर अप किए मैं एग्जैक्टली भी बता रहा हूँ। डरना मत, ऐसे क्वेश्चंस आए तो हंसी तो आएगी, ऑब्वियस है, मतलब अब एडियो की बात कर रहे हो, बीच में एकदम समुद्र में जाके ऑक्टोपस को पकड़ रहे हो, कैसा लगता है? एक तो आठ आठ पे समझ में नहीं आता कौन सा पकड़ूँ, मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है डिस्कवरी चैनल देखना शुरू करो तो फिर से। एंड नंबर सेवन, वन मोर, विच बर्ड कैन फ्लाई इन रिवर्स। पॉज करो, अपने आप से पूछो पता है क्या, बाद में आंसर बताऊंगा। विच बर्ड कैन फ्लाई इन रिवर्स, सी 99.99% या मोर देन दैट, मतलब ऑलमोस्ट सभी जो होते हैं ना वो नॉर्मल तरीके से फ्लाई करते। हमिंग बर्ड एक ऐसा है जो फॉरवर्ड बैकवर्ड है, ठीक है, देखने में कभी अजीब लगेगा बट है वो, हमिंग बर्ड तो इसका आंसर है। बट एक्चुअली इनके क्वेश्चन इतने ही है, सेवन हो गए, सिक्स और सेवन तो मतलब यार अलग बिरादरी के, अलग प्रजाति के क्वेश्चंस हैं। सो दिस इज़ द इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ द थ्री कैंडिडेट्स। पहला वाला काफ़ी डिफरेंट, दूसरा क्वाइट डायरेक्ट, तीसरा थोड़ा फनीस्ट लेवल पे, ठीक है। तो अलग अलग इंटरव्यूज़ है, कुछ कॉमन चीज़ उस पर ध्यान दो, अपने आप को बैक करो, इंटरव्यू अच्छा जाएगा, शांत रहना, बेसिक कॉमन चीज़ें जो मैंने बताई शुरुआत में उस पर फोकस करो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।